सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलदीप। ये ड्यूपलेक्स शीट है, यदा एक वाइट तो एक ग्रे पासा हों, आप ग्रे वाला पासा यूज़ करना। फैविकोल के पानी मिक्स किया मैं, तो ब्रश की सहायता ना इदा इदा आप सारा फिल कर देना इनू, ठीक है, चंगी तरह। हुण इनू अद्धा घंटा आप सुकण दिने। सुकण तो बाद टेप लगा के आप चारे पासे चंगी तरह पेस्ट करना, कोई वट नहीं रहन देना बिच, ठीक है, पूरा खिंच के पेस्ट करना। अपना कैनवस हो गया रेडी। चलो आप रंग देखते हैं। वाइट, लैमन येलो, ऑरेंज, लेजर इन क्रिमजन, अल्ट्रा मरीन ब्लू, बर्न अंबर ब्लैक। सो इस तरह सब तो पहला आप आउटर जी लुक है वो आप ड्रॉ करनी है। इस तरह मैं दो निशान लगा के कि मैं पोर्ट्रेट रखना उस हिसाब न मैं ड्रॉइंग शुरू करी, ठीक है। जो आप तीन हिस्से करते हैं उस तरह ही एक हिस्से के उपर वाला मत्था छड़ दिता, दूसरे हिस्से के आप नक् बनाया, तीसरे हिस्से तो थोड़ा जहा उपर हाफ तो उपर लिप्स आप शुरू कर। सो इस तरह आप, ठीक है, सिर्फ जेस्चर है, हजे कोई प्रॉपर आप ड्राइंग नहीं कर रहे। प्रॉपर ड्राइंग करा बाद पहला इस तरह हल्का हल्का आप सिर्फ जी शैडो है उन्होंने फॉलो करना आप, ठीक है। सो इस तरह आप ड्रॉ कर लिया, ईजी ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है अजे, ठीक है। इस तरह हूँ आप शैडो जड़िया है वो सारिया नाल नाल फिल करते जावे। बर्न नंबर कलर यूज़ कर रहा मैं ड्रॉ करने वास्ते, पर हल्का जहा जिहड़ा ब्रश है वो उस तरह ना बहुत हार्ड है तो ना बहुत सॉफ्ट है, मीडियम जहा ब्रश है। सो इस तरह हूँ आप हल्की हल्की डिटेल जी है वो थोड़ी एक्सट्रा डार्क टोन लैके बर्न नंबर की उन्होंने करना है डिटेल शुरू। इस तरह जिदा अखा है उदी आप डिटेल कर लेनी है, ठीक है, जी हाई डार्क जिहड़ियां टोन्स ने वह भी फिल कर लेनी है, ठीक है। इस तरह लिप्स हमेशा उपरला डार्क हुंदा अगर उपरले पासे तो लाइट पै रही है, इहदे च खब्बे वाले पासे तो लाइट पै रही है और एकदम शार्प लाइट है, इस करके आपां इहदी स्टडी कर रहे हैं पोर्ट्रेट की। और दोस्तों जिदा ही आपां शैडो वाले रंग बना रहे हैं तो थोड़े म्यूट करके लगाने, आपां लाइट करके नहीं लगावांगे क्योंकि अगर आप लाइट ज़्यादा करें तो फिर जी हाई लाइट है उन्होंने आप प्रॉपर दिखा नहीं पावांगे, इस करके आप पहला ही ये चीज़ ध्यान रखनी है भी म्यूट करके कलर यूज़ करने हैं। म्यूट किदा करने हैं, म्यूट मतलब जिदा आप येलो और रेड मिक्स करते हैं तो वो ब्लू नाल म्यूट करते हैं, ठीक है, जिदा ब्लू और जिहड़ा येलो है वो ग्रीन बनता है, ग्रीन नू म्यूट करने आप रेड यूज़ कर लेने, ठीक है। इस तरह जिदा पर्पल बनाइए आप रेड और ब्लू और वो हल्का या येलो पा लीए तो म्यूट हो जाता है। इस तरह ऑपोजिट रंग मतलब तीनों जोड़े है एक दूजे म्यूट करते हैं। अगे आप प्रॉपर वीडियो बनावे, मैं कोशिश कर रहा अजे। सो इस तरह आप फिल कर रहे हैं, ये बहुत लाइट कलर नहीं है कि दोस्तों पहला मैं दस रहा मिडल टोनस बनाइया सारिया मैं, ठीक है। और एक चीज़ होर ध्यान रखना, रंग बहुता खिंचना नहीं है, एक ब्रश के जिन्ना रंग आप लै सकते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक बार फिल करने की जरूरत नहीं है, बस एक तो अद्धा इंच के मेरे ख्याल नाल एक ब्रश फिल करता है जिहड़ा नॉर्मल है छोटे साइज का ब्रश, और इस हिसाब नाल आप करना बहुत ज़्यादा रंग खिंचना नहीं, ज़्यादा फिल नहीं करना, ठीक है। सो इस तरह आप कर रहे हैं जिहड़ियां मिडल टोनस दे रहे हैं सारिया मिडल टोनस, और जिथे हाँ थोड़ी जी टोन बदलती है उत्थे बना के ही लगानी है आप, एवें नहीं भी आप हल्का जहा दूसरे पास रंग खिंच लिया या दो रंगा नू मिक्स करके बना लिया, कैनवस के उपर कुछ नहीं करना, अलग तो रंग बना के लाना आप, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। इस तरह फिल कर रहे हैं आप सारा, मैं फिर तुम्हें दसदा भी मैं ऑयल नहीं यूज़ कर रहा, थिक कलर ने और ओवरलैपिंग है इस विच बहुत कमाल होंगी है दोस्तों, आप ओवरलैप कर सकते हैं, वैट ऑन वैट जी टैक्नीक है ये प्रैक्टिस लिए बहुत वधिया। और जिदा कि तुहानू शीट बारे भी दस्सिया सी ड्यूपलेक्स शीट है, ठीक है,
और एक फेविकोल का कोड है बस उसके उपर लग्या होया। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगी कैनवस लैन की लोड़ नहीं है, प्रैक्टिस लिए बहुत वधिया है। लाइट का प्रॉपर ध्यान रखना, जिहड़े पासे लाइट पै रही है उन्होंने आप पहला ही हिस्सा जिहड़ा छड्ड लिया है उहदा, तां कि लाइट जिहड़ी अपनी डिस्टर्ब ना हो, जदों भी आप रंग लाइए तो मैला ना हो लाइट वाला जिहड़ा कलर हैगा, ठीक है। इस करके आप हाईलाइट वाला एरिया पहला ही छड्डिया। और हाईलाइट भी एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, हाईलाइट भी एकदम एवें नहीं भी पहला ही आप वाइट ला देनी है, पहला लाइट लगाओ पर इन्नी ज़्यादा लाइट ना लगाओ जिनी आप दिख रही है, वो हल्की जी म्यूट करके लगानी है आप हाईलाइट जिहड़ी। अगर आप लग्या उस तो बाद कि हजे होर हाईलाइट की जरूरत है तो आप ओवरलैप करके और ज़्यादा हाईलाइट दे सकते हैं, जिसे आप ज़्यादा वाइट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट वाइट नहीं देना, स्किन कलर ही बना के देना है, उस लैमन येलो ऑरेंज और हल्का जहा रेड मिक्स करो, ठीक है। उस ब्लू कलर यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह म्यूट करता है, तो जी हाईलाइट है वह बिना अल्ट्रा मेरन ब्लू कलर तो बनावेंगे। इस तरह जो हाई डार्कस है थोड़ा जहा पेशेंस नाल करना पड़ेगा तो जो जी डिटेल्स हैगी है। ब्रश की सिलेक्शन वधिया होनी चाहिए थोड़ी, तो ब्रश एकदम पॉइंट बनना चाहिए ब्रश का, ठीक है। डिटेल दे विच और जिदा मैं तुम्हें दसिया कि जो भी कलर चेंज करना चाहिए, आप डार्क रंग बना रहे हैं चाहे आप लाइट बना रहे हैं, तो ब्रश चंगी तरह धो लेना चाहिए और चंगी तरह ड्राई भी करना उन्होंने कपड़े नाल, तेल नहीं रहना चाहिए वो। इस तरह देखो थोड़े सामने ओवरलैप हो रहा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लिप्स दे जी डिटेल्स हैगी है इस तरह। तुहानू दोस्तों एक चीज़ हो रहा है कि एवें नहीं है कि तुसी ये देखोगे तो तुहानू एकदम देख के बनाना आ जाएगा, तुहानू मेहनत करनी पैनी है, तुहानू ड्राइंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पेगी, क्योंकि चंगी अगर ड्राइंग तुसी कर पाओगे फिर ही तुसी इहनू कंट्रोल कर पाओगे हर चीज़ नू। इस करके ड्राइंग ते बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कोशिश करो हर रोज़ ड्राइंग करो जिन्नी हो सकती है, फ्री हैंड करो, ठीक है, और लाइव ड्राइंग करो, स्कैचिंग करो, ये सारी चीज़ वो ही पॉसिबल है। बाकी जो थोड़ा कोई ये बारे क्वेश्चन है तो मैं तुसी पूछ सकते हो मैसेज करके। इस तरह डिटेल्स जड़िया है बहुत ध्यान नाल देनी है, अखां दे विच जिदा मैं तुहानूं दस्या सीगा पहला भी मैं रंग लगाया थोड़ी देर पहला, तो बिल्कुल वाइट नहीं लगाना, उन्हों भी म्यूट करके लगाना, उस अल्ट्रा मेरन ब्लू और हल्का या रेड और बिल्कुल थोड़ा जहा येलो कलर विच मिक्स करना वाइट दे विच, उहदे नाल म्यूट हो जाएगा ताकि इहदे उपर हाईलाइट प्रॉपर आ सके या ये जिहड़ियां हैगियां वो शैडो दे विच लगन। आपां अक्सर ही वाइट रंग सीधा ही भर दिंदे आ। इस तरह मैं कलर चेंज कराया जड़ा, ब्रश बिल्कुल साफ करके करे। थोड़ा रफ छड़ रहा मैं इस करके, कई बार जड़ा रफ है वो ज़्यादा वधिया लगता है कंप्लीट करने वालों। बाकी मेरा मकसद है थोनों सिर्फ कलर बारे और यदि टैक्नीक्स बारे समझाना, सो उम्मीद करता थोनों समझ आएगी जो मैं कोशिश कर रहा। इस तरह दोस्तों बैकग्राउंड दे विच मैं बर्न नंबर और ब्लैक यूज़ करा, हल्का जहा ब्लैक है, वाइट या कोई भी लाइट कलर यूज़ नहीं करा, उहदे नाल की है बैकग्राउंड जिहड़ी ज़्यादा डेप्थ च नहीं जाएगी, वह म्यूट नहीं रहेगी। इस करके मैं लाइट कलर कोई भी यूज़ नहीं करा। हुण आपां हाईलाइट जिहड़ियां हैगियां ने इस तरह एक्सट्रा जिहड़ियां हाईलाइट्स हैगियां बाद च आपां ऐड कर सकते हैं, अगर आपां नूं लग रहा ना भी हाईलाइट्स जिहड़ियां प्रॉपर नहीं हैगियां तो इस तरह आप हाईलाइट्स जिहड़ियां लगा सकते हैं ओवरलैप करके। सो बड़ा ईजी है, सावधानी नाल थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यदि पहले बारी नहीं आएगा
थैंक यू दोस्तों, और लाइक ते शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो जे तुहानू चंगा लगे तां। थैंक यू वेरी मच।